मथुरा थाना जमुनापार इलाके के गांव ईशापुर का रहने वाला 18 वर्षीय युवक अचानक गायब हो गया। परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 5 मार्च को साहिल घर से गायब हुआ था, जिसके बाद अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला। वहीं पर परिजनों व पुलिस जगह जगह ढूंढ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 5 मार्च को साहिल घर से कहीं चला गया, परंतु अभी तक परिवार वाले व पुलिस वाले उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। वहीं परिजनों व पुलिस वालों का साहिल को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। परिजन किसी अनहोनी की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। रिपोर्टर टाइम असले की खास रिपोर्ट। मंडिया पर सुखदेवी, कहाँ के रहने वाले हो? ईशापुर पानी की टंकी। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? 5 तारीख को लड़का गायब हुआ था। क्या नाम है लड़के का? साहिल। अच्छा साहिल, फिर तो उसे हम ढूंढते परेशान है, उसका पता नहीं है। अच्छा, और पुलिस हमारा साथ ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। रिश्तेदारी में पूछा तुमने? सब जगह देख लिया, रिश्तेदारी में देख लिया, सब जगह देख लिया, कोई सुराग नहीं मिल रहा है इसका। अब 5 तारीख को गायब हुआ है। 5 तारीख को गायब हुआ है। किसी को बता के नहीं गया है? किसी को बता के नहीं, हमें पता ही ना चला। रिश्तेदारी में नहीं, कहीं नहीं, उन्होंने सब जगह ढूंढ के देख लिया, पुलिस हमारी सहायता कर रही है, कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, पुलिस ने, पुलिस संग जाती है तुम्हारे ढूंढने के लिए? हाँ, संग जाती है। कहाँ कहाँ देख के आए उसको? सब जगह देख के आए, रिश्तेदारी वगैरह में सब जगह जाती है। आगरा। अच्छा, फिर आगरा तो डोले आए, और रिश्तेदारी में सब में घूमे आए, कहीं नहीं पता चला है। अभी तो पता नहीं चला। दोनों परेशान हो गए, पुलिस हमारी सहायता कर रही है। सहायता कर रही है, सहायता कर रही है। कहते हैं कि हमारा लड़का आ जाए और हमारे घर पास आ जाए तो हमारा तसल्ली आ जाए। अच्छा, तसल्ली हो जाए। कितने दिन हो गए? अच्छा, 26 दिन से गायब है। 26 दिन से गायब है, कोई सुराग नहीं मिला, सब जगह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो। पुलिस सहयोग कर रही है तुम्हारा? पुलिस सहयोग कर रही है।